मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज सरिता कुमारी फॉर रेसिडेंटियल पारामाउंट मिशन स्कूल। टुडे आई विल टीच यू मैथ क्लास यूकेजी। फर्स्ट पेज है आपका बुक में नंबर 0 to 10। यहाँ देख पा रहे हैं आप, यहाँ फिगर भी डाला गया है, 0 मेंशन किया गया है और स्पेलिंग भी मेंशन किया गया है। सेकेंड में यहाँ पर सन का फिगर है, 1 डाला गया है, 1 का स्पेलिंग। इसी तरह से आपका 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 तक आपका वर्ड मीनिंग दिया गया है, वर्ड का नंबर नेम है और यहाँ फिगर। चलिए दूसरे पेज निकलते हैं, नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में है आपका काउंट एंड ड्राफ्ट। आप देख पा रहे होंगे काउंट एंड ड्राफ्ट, यहाँ पर 4 डंकी का फिगर दिया गया है। FOUR इस बॉक्स में नोट किया गया है, यहाँ पर 4 नंबर लिखा गया है। यहाँ नंबर नेम डालना है, यहाँ नंबर लिखना है। इसी तरह से आप इसका भी काउंट कीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ 6 वर्ड में डालिएगा, यहाँ आप नंबर लिखिएगा। स्पून काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ EIGHT 8 डालेंगे, यहाँ 8 नंबर डालेंगे, यहाँ नंबर नेम डालेंगे, यहाँ नंबर डालेंगे। फिर यहाँ आप नेक्स्ट देख रहे हैं टेबल है, काउंट करें टेबल को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ पे आप मेंशन करोगे TEN 10 और यहाँ नंबर डालोगे 1, 0, 10। इस तरह से आप इस पेज को सॉल्व कर लोगे, पेज नंबर 4। उसके बाद है यहाँ टॉल और शॉर्ट, लॉन्ग और शॉर्ट के बारे में बताना है, खुद से बुक में आप देखो और बनाओ। टेक द टॉलेस्ट एंड क्रॉस द शॉर्टेस्ट। तो फर्स्ट पिक्चर दिया गया है जिसमें जिराफ है, सेकेंड में जेब्रा है, थर्ड में है आपका कैट। तो इसमें सबसे लंबा, टॉल मीन्स सबसे लंबा, टॉलेस्ट है मतलब तीनों पिक्चर में सबसे लंबा कौन है, तो आप जिराफ पे टिक कर लोगे इस तरह से। दूसरा क्वेश्चन है, टेक द लॉन्गेस्ट एंड क्रॉस द शॉर्टेस्ट वन एंड देन कलर द लॉन्गेस्ट इन येल्लो एंड द शॉर्टेस्ट इन ग्रीन। इसमें भी शॉर्ट जो है सबसे छोटा है उसको करना था क्रॉस, यहाँ देखिए बना दिए हैं। इसमें आपका सबसे लंबा जो है उसमें आपको टिक करना है और सबसे छोटा जो है उसमें क्रॉस का मार्क डालना है। तो फर्स्ट में स्नैक, सेकेंड में है ग्रास हॉपर, थर्ड में बॉग। तो ये तीनों जो पिक्चर है इसमें सबसे लंबा स्नैक है, तो स्नैक में आप टिक कर लो और बेड बग जो है सबसे छोटा है इसमें क्रॉस डालो। क्वेश्चन नंबर 3, सर्कल द टॉलेस्ट ऑब्जेक्ट एंड क्रॉस द शॉर्टेस्ट। इसमें भी 3 प्लांट दिखाया जा रहा है जिसमें सबसे लंबा में आपको क्या करना है, सर्कल करना है। इस बॉक्स में आप सर्कल कर लो, ये जो कॉटन प्लांट है ये सबसे टॉलेस्ट है, उसके बाद सेकेंड वाला प्लांट जो है इसके अपेक्षा कम है, इसके अपेक्षा एक कम है। तो सबसे टॉलेस्ट प्लांट जो कहा गया कॉटन प्लांट में यहाँ पर आप सर्कल कर लो इस बॉक्स में। और लास्ट जो प्लांट है इसमें आप क्रॉस कर दो। अब बिग स्मॉल में डिफाइन करना है आप, बिग स्मॉल हैवी लाइट। ये पेज नंबर आपका 6 है, टिक द बिगेस्ट एंड क्रॉस द स्मॉलेस्ट। एलिफेंट, इसमें जो में आपका पिक्चर दिया गया है एलिफेंट, लायन और कैट।
तो सबसे बड़ा जानवर में हमें टिक करना है, तो एलिफेंट को टिक कर लेंगे, और क्रॉस करना है स्मॉलेस्ट में, सबसे छोटा जो है कैट दिख रही है, इसमें आप कट मार्क्स कर लीजिए। कलर द ब्लू द बिगेस्ट एंड रीड द स्मॉलेस्ट। यहाँ पर तीन बलून का चित्र दिया गया है, जिसमें सबसे बड़ा जो है उसमें आप ब्लू कलर कर लोगे, तो फाइंड आउट खुद से करो जिसमें बड़ा कौन है उसमें ब्लू कर लो, और जो सबसे छोटा है उसमें रेड कर लो, रेड कलर इसमें कर लोगे, और सबसे बड़ा दिख रहा है लास्ट वाला इसमें आप ब्लू कलर कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द हैवी ऑब्जेक्ट विद द लाइट ऑब्जेक्ट। मैच करना है जो हैवी मीन्स भारी, लाइट मीन्स हल्का, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए, हैवी जो होगा उसको मैच करना है लाइट से। मैच द हैवी ऑब्जेक्ट विद द लाइट ऑब्जेक्ट, तो ये सबसे हैवी है इसको मैच कर देंगे, क्या दिख रहा है आपका वॉच दिख रहा है, वॉच को मैच कर देंगे लीफ से। फिर नेक्स्ट है आपका लोटस, लोटस को मैच कर देंगे, लोटस को मैच है नहीं, मैच करना यहाँ पर वॉच को मैच करना है कप से, लोटस को मैच करना है लीफ से, और फ्रॉग को मैच करना है लिजार्ड से। इस तरह से आप मैच खुद से अपने बुक में कर लो। मोर लेस एंड इक्वल, ये फिगर आप देख रहे हो, इसके बारे में हम आपको वर्कशीट में भी बताने जा रहे हैं, इसलिए इसको यहीं तक छोड़ते हैं। आप वर्कशीट नंबर, वर्कशीट देख लीजिए, पेज नंबर 1, फर्स्ट में आप अपने बुक कॉपी में राइट डाउन कर लोगे काउंटिंग 1 to 100, इस तरह से डाल लोगे और 100 तक लिख लोगे, लास्ट आपका यहाँ 100 हो जाएगा, 1 से स्टार्ट करोगे। क्वेश्चन नंबर 2, सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। इसमें जो नंबर सब दिए गए हैं इसमें सबसे छोटा जो नंबर होगा उसको सर्कल करना है, 20, 18, 10 and 11, तो इसमें सबसे छोटा कौन सा नंबर है, 10, यही सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट मीन्स सबसे छोटा नंबर है, इसको आप सर्कल कर लो। इसी तरह से नेक्स्ट है 20, 12, 19 and 15, इसमें भी आप फाइंड आउट करो जो कौन सा नंबर है सबसे छोटा है, इसमें 12 सबसे छोटा, इसको सर्कल कर लो। नेक्स्ट आइए 18, 80, 40, 10, 20, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है सबसे छोटा नंबर है 10, 10 को सर्कल कर लो। इसी तरह से इसको आप खुद से सॉल्व करो। नेक्स्ट पेज वर्कशीट पेज नंबर 2, इन सर्कल द ग्रेटर नंबर। इसमें जो बड़ा नंबर, ग्रेटर मीन्स होता है बड़ा, सबसे बड़ा नंबर जो है उसको हम सर्कल करेंगे, 20, 28, 30, 5, 40, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर है आपका 40, इसको आप सर्कल कर लो। नेक्स्ट देखिए 16, 14, 20, 28, इसमें भी जो आपका बड़ा नंबर है उसको आप सर्कल कर लोगे। नेक्स्ट देखिए 18, 30, 20 और 10, इसमें सबसे बड़ा नंबर है 18 को आप सर्कल करो। इसी तरह से आप इसे भी सॉल्व करें जो बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, काउंट एंड राइट। क्वेश्चन नंबर 4 का ये देखते हैं, एक हम फाइंड आउट कर देते हैं, पता बता देते हैं किस तरह से करना है, उसके बाद खुद करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, इस बॉक्स में आप काउंट कर करके जो आया आपका नंबर 18 आया है, 18 यहाँ पर राइट डाउन कर लीजिए। बी को इसी तरह से काउंट करेंगे और फिल कर लेंगे बॉक्स में, सी को भी काउंट करेंगे और बॉक्स में जो नंबर आता है उसको यहाँ फिल कर लेना है, डी नंबर को भी काउंट करेंगे और इस बॉक्स में फिल कर लेंगे।
वर्कशीट पेज नंबर 3 रिमेंबर एंड राइट इन कॉपी नंबर नेम 1-3। आप इसको याद भी करोगे नंबर नेम को और अपने कॉपी में भी राइट डाउन कर लेना और इसे 2-3 बार करके पढ़ लोगे तो याद भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में आप 20 तक तो इसको सॉल्व कर चुके थे, 10 एक्स्ट्रा दिया गया है, आसानी से आप कर लोगे। चलिए एक बार हमारे साथ पढ़ो, इसका स्पेलिंग बताते हैं। ONE, TWO, TWO, TH, RW 3, FOU 4, FIVU 5, SIX 6, SEVN 7, EIGS 8, NIN 9, TEN 10। 11 का से स्टार्ट करते हैं। ELEVEN 11, TWEL 12, THIR TN 13, FOUR TN 14, FIF TN 15, SIX TEN 16, SEVN TEN 17, EIGS TEN 18, NINET TEN 19, TWEN TY 20। इतना तो आप पहले से नेक्स्ट क्लास में ही सीख चुके थे, अब एक्स्ट्रा आपको सिर्फ 10 नंबर नेम याद करना है, जिसमें 21 से स्टार्ट करते हैं 30 तक। TWEN TY 20, ONE 1, TWEN TY 20, TWO 2, TWEN TY 20, THR 3, TWEN TY 20, FOUR 4। इसी तरह से आप 20 लिखोगे और यहाँ 1, 2, 3 डाल करके लास्ट का आपका 30 का स्पेलिंग याद कर लेना है, THIR TY 30। ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट कम्स बिफोर, यहाँ 20 नंबर दिया गया, 20 है। अब यहाँ इससे पहले का हम बिफोर मीन्स पहले का नंबर लिखना है, 20 है, 20 से पहले क्या आता है तो 19 आता है। यहाँ आपका 72 मेंशन किया गया है, 72 से पहले का नंबर क्या होता है तो 71। इसी तरह से आप इसको बना लोगे। 80 है, 80 से पहले कौन सा नंबर आता है, 80 before 79, 18 before 17, 10 before 9, 39 before 38, 64 before 63, 52 before 51, 59 before 58, 82 before 81। इसी तरह सॉल्व कर लें। वर्कशीट पेज नंबर 4, व्हाट कम्स आफ्टर, ये तो आसानी से आप पहले से ही बना चुके हो, आसानी से बना लोगे। यहाँ 56 बिफोर, आफ्टर मीन्स बाद होता है, तो 56 के बाद क्या आएगा, 57। 1 हम डन कर दिए हैं, खुद से इसको कर दीजिए। 29 के बाद 30, 86 के बाद 87, इसी तरह से इसको पूरा कर लीजिए यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 8, मोर देन, लेस देन एंड इक्वल टू, इसमें सपोज दैट जैसे क्रोकोडाइल का मुंह खुलता है तो उसका मुंह बहुत बड़ा होता है तो ज़्यादा अंक उसी के तरफ जाता है, ज़्यादा मात्रा में वो खाता है। तो इसमें एक ही चीज़ ध्यान रखना है, जो ज़्यादा नंबर जिधर होगा उधर ही क्रोकोडाइल का मुंह होगा। तो यहाँ पर देखिए 92 है, 52 है, तो यहाँ समझिए क्रोकोडाइल का मुंह इसके तरफ खुल रहा है, 92 के तरफ। यहाँ 32, 26 है, तो यहाँ बड़ा नंबर हो गया 32, इसके तरफ इसका क्रोकोडाइल का मुंह आ जाएगा, इस तरफ खुलेगा। यहाँ 72 है और 66 है, क्रोकोडाइल का मुंह अब इधर की तरफ हो जाएगा। 82 और 92 है, तो इसी तरह से अब बड़े नंबर की तरफ इसका मुंह फैलाइए। और देखिए यहाँ पर 15 है, तो ये आपका इक्वल टू है, दोनों सेम है। फिर यहाँ देखिए ये बड़ा नंबर है, इसके तरफ मुंह जाएगा क्रोकोडाइल का। ए नंबर 92 बड़ा है, इधर जाएगा। 20 है, इक्वल है, इसमें इक्वल का हम मार्क्स डालेंगे, यहाँ इसका सिंबल डालेंगे, इक्वल का सिंबल डालेंगे। 65 है, 95 है, तो इसमें ग्रेटर नंबर है 95, क्रोकोडाइल का मुंह इधर की तरफ जाए। फिर 13 इक्वल है,
तो यहाँ इक्वल का सिंबल डालिए। इसी तरह से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। थैंक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अब आप कैसे